आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथि है, जैसे अमावस्या तिथि। आपकी कोई भी कामना है वह पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अमावस्या का दिन बहुत खास होता है। अमावस्या का एक ही दिन आपके जीवन में बने बड़े से बड़े दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र मनोकामना पूर्ति का योग बना देगा। ऐसे में हम बात कर रहे हैं किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने में यदि लगातार बाधा बनी हुई है, माता पिता अपने बच्चों के विवाह के लिए जहां कहीं पर भी बातें करते हैं, बात सफलता तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसी स्थिति में माता पिता को जरूर ध्यान रखना है अमावस्या तिथि किस तारीख को पड़ रही है। 12 महीने में किसी भी महीने की अमावस्या के दिन यदि ये छोटा सा काम कर दिया जाए, आपके बेटा या बेटी की विवाह की योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो ध्यान देना, किसी भी प्रकार का ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव होता है उसे अमावस्या के दिन शांत किया जा सकता है। अमावस्या तिथि में कुछ महत्वपूर्ण गुण होता है, जैसे शनि से जनित, राहु से जनित, मंगल से जनित किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में चल रहा है, जिसकी वजह से उसकी शादी का रिश्ता पक्का होने में निरंतर समस्या बनी हुई है, तो जरूर ध्यान रखें किसी भी अमावस्या को, हर महीने अमावस्या तिथि आती है, किसी भी महीने की अमावस्या तिथि में इस छोटे से महाचमत्कारी प्रयोग को माता पिता अपने बच्चों के लिए जरूर करें। आपके बेटा या बेटी की कुंडली में चाहे पितृ दोष के कारण, नजर दोष के कारण, मांगलिक दोष के कारण, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से यदि उनकी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो अमावस्या का ये एक ही दिन बड़े से बड़े दोष को भी तत्काल नष्ट करके शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होने का योग बना देगा। किस प्रकार से इस उपाय को करना है, देखिए यदि आपको इसी महीने इस उपाय को करना है तो भी ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या आएगी वह आने वाली है 19 मई को, और आगे आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो किसी भी महीने की अमावस्या तिथि आपको देख लेनी है, किस तारीख को पड़ रही है उस तारीख में इस प्रयोग को आपको कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, जिस अमावस्या को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं, ध्यान रखें ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 5:30 बजे उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें, और कुछ बेसिक नियम है जिस दिन आप इस उपाय को कर रहे हैं, माता पिता बच्चों के लिए इस उपाय को करेंगे उस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ बोलने से बचना है, क्रोध करने से बचना है, तामसिक चीजों से परहेज करना है, लहसुन प्याज आदि का स्पर्श भी नहीं करना है, खास करके दिन में सोने से बचना है, और विशेष करके क्रोध बिल्कुल नहीं करना है उस दिन, क्योंकि क्रोध करने से आप कोई भी पुण्यकर्म या सत्कर्म करते हैं वह नष्ट हो जाता है, यानी उसका जो संपूर्ण फल होता है वह आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो प्रिय दर्शकों, किसी भी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके आसपास में कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो आपको वहां पर जाना चाहिए, और हनुमान जी महाराज को सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करना है, और हनुमान जी के मंदिर से आपको हनुमान जी के जो चोला चढ़ा हुआ है उस सिंदूर में से थोड़ी सी सिंदूर आपको ले लेनी है, थोड़ी मात्रा में। आप वहां के कोई पुजारी जी हो तो उनसे निवेदन करें कि हनुमान जी महाराज के जो चोला आपने चढ़ाया हुआ है इसमें से थोड़ा सिंदूर मुझे दे दीजिए। आप थोड़ी सी सिंदूर लेकर के हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के आप सीधे अपने घर आ जाएं। घर में जो पूजा स्थान बना हुआ है वहां पर एक घी का दीप प्रज्वलित करें, और इस प्रयोग को करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक नारियल, एक सूखा नारियल, जटा वाला जो नारियल आता है जिसका प्रयोग हम पूजा में करते हैं, इसे श्रीफल भी बोलते हैं, सूखा एक नारियल आपको ले लेना है। किसी पात्र में सामने एक नारियल को आप रख लीजिए, और घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके जो वहां के विराजित देवी देवता है उनसे आप अपने बेटा या बेटी का जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए उसके लिए प्रार्थना करें। उनकी कुंडली में कैसा भी कोई दोष बना हुआ है तो वहां जो आपके मंदिर में विराजित देवी देवता है उनसे पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, सच्ची तन्मयता से, कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ सीधा रखते हुए
एक आपकी जो अंतस चेतना उसको भगवान से कनेक्ट करते हुए आपको प्रार्थना करना कि प्रभु जल्दी से जल्दी मेरा मनोरथ पूर्ण करना। ऐसी कामना करने के पश्चात आप हनुमान जी महाराज से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हनुमान जी महाराज मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष बना है जिसकी वजह से इसके विवाह होने में बाधाएं बनी हुई हैं, तो हे प्रभु इस दोष का जल्दी से जल्दी निवारण करना और शीघ्र विवाह होने का योग बना देना। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात आपके आपने जो एक नारियल लिया है सूखा नारियल, उस पर आपको मोली, उसको कलावा भी बोलते हैं, हाथ में बांधने वाला जो आता है, उस नारियल पर श्रीफल पर 7 बार आपको कलावा लपेट देना है। 7 बार कलावा लपेट करके आप उसको अपने सामने रख लीजिए, और जो आप सुबह जाकर के हनुमान जी महाराज के मंदिर से सिंदूर लेकर के आए थे, सिंदूर जो लेकर के आए थे, अपनी ये जो अनामिका उंगली है, ये वाली उंगली जो है सबसे छोटी वाली उंगली के पास वाली जो उंगली है, इससे उस सिंदूर में से सिंदूर लेकर के आपको उस नारियल पर लगाना है और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है ये पहली बिंदी लगाते हुए कि हे हनुमान जी महाराज मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में पितृ दोष की वजह से यदि विवाह में बाधा बन रही है तो इस दोष का निदान करना। ऐसा बोल करके उस सिंदूर की पहली बिंदी आपको उस नारियल पर लगा देनी है। उसके पश्चात आपको वापस उस सिंदूर में से थोड़ा सिंदूर लेना है और हनुमान जी महाराज से कामना करना कि हे हनुमान जी महाराज मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में नजर दोष की वजह से यदि विवाह में बाधा बनी हुई है तो हे हनुमान जी महाराज आप इसे जल्दी से जल्दी दूर कर देना। इस प्रकार से कामना करके दूसरी बिंदी आपको उस नारियल के ऊपर लगा देनी है। उसके पश्चात आपको वापस उस सिंदूर में से थोड़ा सिंदूर लेना है इस उंगली से और हनुमान जी महाराज से कामना करना कि हे हनुमान जी महाराज मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से विवाह होने में यदि निरंतर समस्या बन रही है तो आप इन ग्रहों के दुष्प्रभाव के ताप को शांत करना और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बना देना। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको तीसरी बिंदी उस नारियल के ऊपर लगा देनी है। इस प्रकार से 3 बिंदी लगा दें। उसके बाद यदि बच्चा बच्ची वहां पर उपस्थित है, ध्यान रखें तो बहुत अच्छा है, बच्चा बच्ची कहीं बाहर रहते हैं उपस्थित नहीं है तो उनकी फोटो वगैरह हो तो वहां पर जाकर के आप कर सकते हैं। बच्चा बच्ची उपस्थित है तो आप उसको वहां पर आपके घर के मंदिर के समक्ष बुला लीजिए, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा कर दीजिए और उस नारियल को क्लॉक वाइज उसके ऊपर 7 बार वार लीजिए। क्लॉक वाइज 7 बार वार करके किसी से भी बात नहीं करना, पिता भी कर सकते हैं बच्चों के लिए, मां भी कर सकती है, और जिस हनुमान जी के मंदिर से आप सिंदूर लेकर के आए थे उसी हनुमान जी के मंदिर में ये नारियल हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना और हनुमान जी महाराज से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हुए एक घी का दीप प्रज्वलित करके वहीं हनुमान जी महाराज के मंदिर में बैठ करके इस मंत्र को 108 बार करना है। ओम एंग ह्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओम एंग ह्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र को 108 बार बोल करके सच्ची सिद्धत से श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना। मुझे पूरी उम्मीद है प्रिय दर्शकों, यदि आपने अपने बेटा या बेटी के लिए हनुमान जी महाराज के चरणों में पूर्ण समर्पित भाव से, पूर्ण एक एकाग्र अंतश्चेतना के माध्यम से इस उपाय को किया तो निश्चित रूप से जल्दी इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपके बेटा या बेटी का शीघ्र विवाह होने का योग सुनिश्चित रूप से बन जाएगा। इसे किसी भी महीने की अमावस्या को कर सकते हैं। यदि आपको इसी महीने करना है तो ज्येष्ठ माह की अमावस्या 19 मई को पड़ रही है, इस दिन आप इस प्रयोग को जरूर करें। और एक बात है प्रिय दर्शकों, यदि आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, फैन भी नहीं चला सकते क्योंकि वीडियो में फिर इसकी ये नॉइस आती है तो कितने पसीने आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए यदि थोड़ा मेहनत भी करना पड़े और ये पसीना भी आए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जब कार्य होता है तो आप लोग जो दिल से अपनी आत्मीयता से जो मुझे दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यदि इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी, आपकी मन आत्मा इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि हनुमान जी महाराज का ये प्रयोग मेरी कामना अवश्य पूर्ण कर देगा,
तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि ये भी एक पुण्य परक कार्य है। आपके माध्यम से यदि किसी भी लड़का या लड़की का विवाह हो जाता है तो उसकी आत्मा, उसका मन, उसकी जो इंटरनल शक्ति है वो आपको बहुत दुआएं और आशीर्वाद प्रदान करेगी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और मैरिज से रिलेटेड हमेशा सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक करिएगा, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल।